नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आज फॉर नेशन। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच आज पहला ओडीआई मैच खेला जा रहा है, और आज का जो ये पहला ओडीआई मैच खेला जा रहा है वो इकाना स्पोर्ट्स सिटी में यहाँ पर खेला जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आज का ये मुकाबला उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है, और आज के इस मुकाबले में बारिश के वजह से ये मैच काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ, जिस कारण इस मैच में वनडे मुकाबला है, ये 50-50 ओवर्स का वनडे मुकाबला होता है, लेकिन देर से शुरू होने के कारण 50 ओवर्स को घटा के यहाँ पे 40 ओवर्स कर दिया गया है। यानी कि दोनों टीमें यहाँ पे 40-40 ओवर्स खेलने वाली है। आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं शिखर धवन। तो आपको हम एक बार इंडियन टीम का लाइनअप बता देते हैं। शिखर धवन, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज और आवेश खान। छह इन्होंने बल्लेबाज खिलाए हैं और 5 गेंदबाज खिलाए हैं। और साउथ अफ्रीका की वही लाइनअप की बात करें तो जेनिमन मलान है, क्विंटन डिकॉक है, टेम्बा बउमा, एडन मकरम, हेनरिच क्लासिन, डेविड मिलर, वैन पॉर्नेल, केशव महाराज, कगिसोर अबाडा, लुंगी एनगिडी, तबरीज शम्सी। ये कुछ प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की। और यहाँ पर आज के इस मुकाबले में टॉस जीता है टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने। इंडिया कप्तान शिखर धवन ने यहाँ पे टॉस जीता है। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी का यहाँ पर फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी है साउथ अफ्रीका की टीम, और 16 ओवर्स के अंदर अंदर यहाँ पर टीम इंडिया ने 16 ओवर्स में साउथ अफ्रीका टीम के यहाँ पर 3 विकेट गिरा दिए हैं। 71 रन पे टीम इंडिया ने यहाँ पे 3 विकेट हासिल कर लिए हैं। इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने अब तक गेंदबाजी कराई है, आवेश खान ने, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव। जो 3 विकेट गिरे हैं हम आपके उनके नाम बता देते हैं। जेनिमन मलान पवेलियन लौट चुके हैं 42 गेंदों में 22 रन बनाकर। क्विंटन डिकॉक अभी भी नॉट आउट है, क्रीज पर जमे हुए हैं, 38 गेंदों में 33 रन बनाकर खेल रहे। कप्तान टेम्बा बउमा को हमने देखा कि T20 सीरीज में मात्र 3 रन बना पाए थे वो 3 मैचों में, और आज के इस पहले वनडे मुकाबले में भी बिल्कुल फ्लॉप रहे, बतौर कप्तान बिल्कुल फेल है यहाँ पर, और बतौर कप्तान बतौर बल्लेबाज बिल्कुल फेल है टेम्बा बउमा। इस समय 12 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एडन मकरम भी आज के इस मुकाबले में कमाल नहीं दिखा पाए, 5 गेंदों में बिना खाता खोले इन्हें पवेलियन लौटना पड़ा है। हेनरिच क्लासिन नए बल्लेबाज आए हैं, अभी पिछले ही ओवर में 16वें ओवर में यहाँ पर कुलदीप यादव ने सफलता हासिल करी। आज के इस मुकाबले में जो विकेटें चटकाई हैं, शार्दुल ठाकुर को 2 सफलताएं मिल चुकी हैं, वहीं कुलदीप यादव को 1 सफलता मिल चुकी है। तो हम हाजिर होंगे आपसे इस मैच के ख़त्म होने के बाद सारे रिकॉर्ड स्टेट्स के साथ। तो स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।